देश ईद का त्योहार मना रहा है, लोग एक दूसरे के गले मिल रहे हैं, तो बीजेपी भी सबको गले लगाने की कोशिश कर रही है। ईद की बधाई प्रधानमंत्री तो हर साल देते हैं, लेकिन ये शायद पहला मौका है जब मोदी ने उर्दू में पहली बार शुभकामनाएं दी है, क्योंकि पीएम मोदी को इस बार सबका साथ सबका विकास के साथ साथ सबका विश्वास भी जीतना है। और सबका साथ सबका विकास और अब सबका विश्वास, ये हमारा मंत्र है। सबका विश्वास जीतने की होड़ हर किसी में है। लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन से हैरान परेशान दीदी ने भी लोगों को ईदी देना जरूरी समझा और मुसलमानों के बीच हिंदुस्तान को बचाने की हुंकार भरी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में रहना भाई भाई, त्याग का नाम है हिंदू, ईमान का नाम है मुसलमान, प्यार का नाम है ईसाई और सिखों का नाम है बलिदान। ये है हमारा प्यारा हिंदुस्तान, इसको रक्षा हम लोग करेंगे, हम लोग इसको छोड़ेंगे नहीं, और जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, ये तो हमारा स्लोगन है। इसी के लिए हम खत्म करने का पहले कहने चाहूंगी, मुद्दा इतना डरने का बात नहीं है, मुद्दा लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, मुद्दा लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अब खेल सबके विश्वास की है तो प्रधानमंत्री मोदी पहले ही साफ कर चुके हैं कि मुसलमानों को वोट बैंक समझकर अब तक जो छल किया गया है उसमें छेद करना है। जैसा देश के गरीबों के साथ हुआ है वैसा ही छल इस देश की माइनॉरिटी के साथ हुआ है कि हमें इस छल को भी छेद करना है। बात लेकिन इतनी आसान नहीं है। एक तरफ सबका विश्वास वाला प्रधानमंत्री का विजन है तो दूसरी ओर बीजेपी नेताओं की उलझुल बयानबाजी। जरा बुलंदशहर के सांसद भोला सिंह को सुनिए। किसी और धर्म के व्यक्ति की त्योहार में असुविधा होती है आमजन को तो निश्चित ही वो नहीं होनी चाहिए, और सड़क अगर ब्लॉक होती है, आस्था है तो आस्था के लिए एक उचित स्थान है वहां पर जाकर उसको करें, रोड वोड जाम नहीं होने चाहिए, अगर ऐसा होता है तो गलत होता है, उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। कांवड़ यात्रा के दौरान दो तीन महीने तक नेशनल हाईवे लगभग बंद रहता है, लेकिन मुझे कभी ऐसी सुविधा नहीं हुई। फिर नमाज पढ़ने से ऐतराज क्यों है? ये तंग दिल लोग हैं, तंग दिल हिंदू हैं और हम फिराक दिल हिंदू हैं। भोला सिंह से पहले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रधानमंत्री के विजन को नजरअंदाज किया। नीतीश की इफ्तार पार्टी पर बिफर गए, ट्वीट कर दिया कि काश मुख्यमंत्री नवरात्रि में भी फलाहार कराते। विवाद खड़ा हुआ तो बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने फटकार लगाई और फिर पूरी पार्टी सफाई में जुट गई। देखिए, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पार्टी का रास्ता सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास का रास्ता है और इसी रास्ते पर मुल्क चलेगा। प्रधानमंत्री जी ने सेंट्रल हॉल के भाषण में कहा था सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, तो उसके पोस्टर बॉय अगर गिरिराज सिंह जी है ना तो संदेश डॉग विसिल वाला जा रहा। अब सवाल ये कि क्या पीएम के सबका विश्वास पर जोर के बाद बीजेपी मुसलमानों का भरोसा जीतने में कामयाब हो पाएगी या फिर मुसलमान विरोधियों के साथ ही बने रहेंगे। आज तक देखो।